Well, let's go across to Neeta, who's going to tell us more about this. And Neeta, it's fascinating to see that at the end of the day, that last couple of meters, even when the army had started doing their vertical drilling, on the hill above, it's this team of rat hole mining experts who really saved the day and managed to negotiate through and go through those last couple of meters of debris that was left. Absolutely. Prayers, technology, science, everything was pushed together, and finally, manually, these people are now going to be pulled out. The rat mining people tried to drill that last 5 meters. Now, what we are being told is the workers would be out any minute. Already, those pipes have been pushed inside. They needed to be drilled, and that escape tunnel now has been established. When I was speaking to senior NDRF officials, Gargi, who briefed the chief minister also, they said the escape tunnel is horizontal like this, but then there's a kind of a debris, some kind of a mountain also. So these workers need to come down from a makeshift kind of a staircase. They will come down and then get into that escape tunnel. Sorry to interrupt you, Neeta. We're just going to go across to Kishore, who's car जा रही है. उसके बाद ये मुख्यमंत्री की कार जा रही है. मुख्यमंत्री टनल के अंदर जा रही है. और संभवतः आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस से जो अभी आगे निकली कार वो मुख्यमंत्री की कार है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर जा रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें देख सकते हैं सीधा मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के बाहर रुके हैं और अब सीधा वो उतर रहे हैं. अभी उतरेंगे. ये उनके मुख्यमंत्री के सचिव है. उसके अलावा मुख्यमंत्री दूसरी साइड से उतरेंगे और जिस तरीके से ये कंफर्म माना जा रहा था कि ब्रेक थ्रू मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो लगभग ये जरूर माना जा रहा है कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं कहा है. यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी फिलहाल अंदर जा रहे हैं और अभी उनको वो हेलमेट पहन रहे हैं और उन्होंने ब्लैक कलर का एक जैकेट पहन रखा है. मुख्यमंत्री आपके बीच में घिरे हुए हैं और अभी मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे. उनके सामने जो नोडल अधिकारी थे नीरज खैरवाल वो भी मौजूद हैं. इसके अलावा तमाम जो एक्टिविटी है लगातार हम जिस तरीके से लगातार पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हालात हो गए हैं, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कुछ जो हालात थे बिल्कुल अलग बदल गए हैं. यहाँ पर पिछले कल से एक मायूसी थी लेकिन आज एक कॉन्फिडेंट है यहाँ पर. All right, so there Kishore telling us about how Chief Minister Dhami is going into the tunnel and he's been visiting this the tunnel regularly and getting updates. He's spoken about how he's the Prime Minister also keeps taking updates from him. But now the big breaking news that the workers are going to be brought out any moment now. Each one, it'll take a few minutes to pull them out, but we do know that pipe has reached the workers. Let's go back to Kishore. और इस इलाके में काफ़ी ठंड पड़ती है और ठंड बढ़ने का यानी जो टेम्परेचर है वो रात को मिनिमम 3 डिग्री तक चला जा रहा था लेकिन मौसम ने साथ दिया. लेकिन अब ऐसा है जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और बारिश की जो अंदेशा जताया है और ये जो ऑपरेशन है ये लगभग कंप्लीट होने की पोजिशन में है. लगभग ये माना जा सकता है कि कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे में अभी फिलहाल अगर ये कंप्लीट हो जाता है और जल्दी कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है जिस तरीके से मुख्यमंत्री अंदर गए हैं और संभवतः ये बताया मौसम ने जरूर साथ दिया लेकिन मौसम बदलने से पहले अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी खबर है खासकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हैं क्योंकि उन्हें 24 घंटे काम करना है. रात और सुबह तक काम करना है, दिन में भी काम करना है. दिन में तो हल्की सी धूप आ जाती है लेकिन सुबह और रात वो बड़ी टफ है काम करने के लिए क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जा रहा है. यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री अंदर जा रहे हैं और तस्वीरें थोड़ी सी दिखाऊंगा अंदर. वहाँ पर कुछ व्हाइट हेलमेट पहन कर कुछ लोग हैं वो मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं. वो जानकारी ले रहे हैं कि कितना अंदर पहुंच गए या वाकई हमने ब्रेक थ्रू कर दिया है और जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि 55.3 मीटर की जानकारी दी गई थी और अब तक ये जरूर है जिस हिसाब से कैलकुलेशन है जिस हिसाब से उनकी खुदाई करने की स्पीड है रेड माइनर्स की उस हिसाब से अब तक ब्रेक थ्रू हो चुका होगा. और जो अंदर लोग हैं यानी जो SDRF NDRF के लोग हैं जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है वो अंदर की तरफ जाएंगे और उनको बाहर निकालेंगे. और तमाम ये सामने थोड़ा कुछ लोग बैग लेके जा रहे हैं और अब फिलहाल इस बात की जानकारी अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि लोग कौन हैं. यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हो सकता है कि
All right, so we're still waiting for word of, you know, when exactly the workers are going to be pulled out, but it is going to happen soon, any moment now, as the pipe through which they're going to be extracted has reached the site where they are, and today, finally, after 17 days, the workers are going to be pulled out. के लोग एसडीआरएफ के लोग जाएंगे उन पे उनको लेटा के उनको लाया जाएगा। ये कुछ बैग लेके मैं एक थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज अपडेट हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तस्वीरें में बैग लोग लेके जा रहे हैं। ये एक कंक्रीट का डब्बा है और उसके बगल में यहाँ पर कुछ लोग बैग लेके, ये उनके परिवारजन है। ये परिवार जिस तरीके हमने जानकारी दी थी कि एम्बुलेंस में जैसे ही उन लोगों को डाला जाएगा, उनके जो परिवारजन है उनको इनके साथ ही हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया जाएगा। लेकिन यानी ये पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी। यहाँ पर ये सब बैग लेके आए, ये इन सब के जो बैग है इनमें उन लोगों का भी सामान पैक है जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पर देश भर के तमाम उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा आसाम, तमाम जो इस जगहों के जो लोग थे वो अंदर काम करते वो फंसे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो बैग लेके खड़े होकर ये वही लोग हैं और उनकी एक लिस्ट चेक की जा रही है कौन किसका परिजन है। उसको लिस्ट उनके गले में कार्ड लगाया गया है और उनको अंदर आने की एंट्री दी गई है और वहां पर इनको रखा गया और ये अब एम्बुलेंस में जैसे जैसे लोग आएंगे इनको एम्बुलेंस में रखाएगा। यानी ब्रेक थ्रू मिल चुका है, अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इन लोगों को बता दिया गया कि हम पहुंच गए, उन लोगों को जल्दी से निकाला जाएगा और फिलहाल आपको उनके साथ एक एक करके एम्बुलेंस में जो जिसका परिजन है उसको रखा जाएगा और उसमें भेजा जाएगा। तो लगातार ऑपरेशन की बात करें, मौसम की बात करें तो मौसम ने फिलहाल साथ दिया है लेकिन हल्की बूंदाबांदी से यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो गया है। लेकिन ऐसे में अच्छी बात यह है कि मौसम खराब होने से पहले, इससे ज्यादा मौसम और खराब ना हो उससे पहले जो ऑपरेशन है लगभग कंप्लीट हो चुका है।